हेलो दोस्तों, विश्वकर्मा टेक्निकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल में हम आपके लिए नई नई टेक्निकल वीडियोस लेकर आएंगे। तो आज हम आपके लिए रूम कूलर, जिसे हम डेजर्ट कूलर भी बोलते हैं, इस वीडियो में कूलर के वेरियस पार्ट, वर्किंग एंड मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसे ध्यान से पूरा देखें। ये फर्स्ट वाला जो स्विच है, ये है हमारा वाट्स एटमोस्फेरिक हवा है उसको कम ज्यादा करने के लिए। इससे जो अंदर मोटर लगी हुई, इसके जरिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लो करेंगे तो ये धीरे चलेगा, हाई कर देंगे तो बहुत हाई स्पीड में चलेगा। ये दूसरे वाला ये हमारा ये ऑटो है। ऑटो ये हमारा स्विंग को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट राइट जो भी दाएं बाएं हम करना चाहते हैं हवा को अपने हिसाब से। अगर हम इसको ऑन कर देंगे ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अगर हम ऑफ कर देंगे तो एक जगह कॉन्स्टेंट हो जाएगा। दूसरा हमारा ये तीसरे नंबर पे हमारा पंप लगा हुआ, ये वाटर पंप का कंट्रोल स्विच है, वाटर पंप को ऑन ऑफ करेगा। दोस्तों अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये इसका टॉप व्यू है। टॉप में हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखो दोस्तों, ये जो है ये यहाँ पे हम पाइप लगा के, ये हमारा पानी को इनलेट अंदर डालने के लिए है। यहाँ से हम पाइप लगाएंगे या नोजल टाइप कुछ लगाएंगे और पानी को डालेंगे, जैसे पानी अंदर चला जाए। ये हमारा साइड व्यू है इसका। साइड व्यू में आपको सामने ये जो नजर आ रहा है, ये जो है ये जो प्राण टाइप नजर आ रहा है, ये है हमारा पैड। इसको हम कूलिंग पैड्स भी बोलते हैं। ये नॉर्मल प्राण नहीं होता, जैसे कि हमने देखा होगा ये वो वाला प्राण नहीं होता। ये केमिकली प्रोसेस किया होता है ताकि ये काफी दिन तक चलता रहे, खराब ना हो। जैसे दूसरा प्राण होता है वो जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए ये केमिकली प्रोसेस होता है। और ये आगे हमारे लॉकिंग नट्स हैं, ये इसको खोलने के लिए हैं। तो चलो दोस्तों अब हम इसको खोलते हैं। पर दोस्तों खोलने से पहले एक बात का ध्यान रखना कि हमेशा जो इसे हम सक्शन साइड से खोलते हैं, यानी कि सक्शन साइड कौन सी होती है, जहां से हमारी एयर अंदर को सक होती है, तो हम हमेशा इसे पीछे वाली साइड से खोलते हैं। जो साइड से भी खोल सकते हैं वैसे, बट पीछे वाली साइड से खोलेंगे तो हमें आसानी रहेगी आगे का पूरा खोलने के लिए। ध्यान से दोस्तों इसको खोलें। अब दोस्तों हमने इसकी तीनों की तीनों साइडें खोल दी हैं। अब हम इसका जो है फ्रंट साइड खोलेंगे, तभी इसका टॉप साइड खुलेगा। तो कुछ नेट हमने पहले से खोल के रखे हैं, आप देख लें सभी के सभी नेट खोल जाएं, उसके बाद इसको खोलने की कोशिश करें, अदरवाइज लॉकिंग टूट जाएगी। अब ये टॉप साइड खोलेंगे। अब ये सामने से खुल गया फ्रंट साइड को खोलने की वजह से। अब ये देखो ये पूरी तरह से खुल चुका है। अब हम इसके आगे की वर्किंग और इसका सर्किट के बारे में जानेंगे और जो भी इसका रिपेयर मेंटेनेंस कैसे करनी चाहिए हमें उसके बारे में जानेंगे। हम इसके इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में जानेंगे। यहाँ से मेन एसी सप्लाई होती हुई मेन स्विच बॉक्स में जाती है, यहाँ पे एयर का ऑन ऑफ का लगा हुआ है और यहाँ पे स्विंग का लगा हुआ है, ये यहाँ पे मोटर का लगा हुआ है। यहाँ से सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होते हुए सिंक्रोनस मोटर में जाती है और यहाँ पे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में भी जाती है। और यहाँ पे एक वाटर पंप लगा हुआ है जो कि सबमर्सिबल मोटर है। और यहाँ पे नीचे देखो आप, एक फ्लोट वाल्व लगा हुआ है, ये गैस के तौर पे काम करता है, ये हमारे वाटर लेवल को शो करता है। इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे तो देखें, ये हमारी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है जो कि सक्शन करती है फ्रेश एयर को, एटमोस्फेयर एयर को थ्रू द ब्लेड्स। हमारे यहाँ से कूलिंग पैड से एयर सक होती है जो कि हमारे मेन बॉडी में जाती है। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है तो हमें अपना सबमर्सिबल मोटर ऑन करना पड़ता है। अब ये चेक कर लें कि हमारा जो वाटर लेवल है वो होना चाहिए, अन्यथा ये मोटर खराब हो सकती है। या ये सक्शन करता है हमारा मोटर सम्प से, इस बॉडी को हम सम्प बोलते हैं, जो जहाँ पर पानी पूरा स्टोर होता है। यहाँ मोटर यहाँ से सक्शन लेती है, यहाँ से जाते हुए डिवाइड होती है तीन तीन पार्ट्स में, जो हमारे कूलिंग पार्ट होते हैं वहां पे जाती है।
यहाँ पे डिवाइडर लगा होता है, ये देखो हमारा डिवाइडर है। यहाँ से ये सप्लाई हमारे कूलिंग पैड पे जाती है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ पानी तीनों पाइपों के थ्रू कूलिंग पैड में जाता है, जो कि देखो छोटे छोटे होल हैं जो पानी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कूलिंग पैड में। और ये है हमारी एटमोस्फेयर, हवा को ठंडी हवा में कन्वर्ट करते हैं जो कि रूम टेम्परेचर से बिल्कुल डिफरेंट होती है। एटमोस्फेयर हवा आती है जो कि हमारे कूलिंग पैड से होते हुए नमी प्रदान करती है और हमारे ग्रेड से होते हुए हमें ठंडी हवा देती है। देखेंगे कि कौन कौन सा इसमें पार्ट आ सकता है और उसमें उसको कैसे रिपेयर करें, इसके लिए हम सीरीज टेस्ट लैंप का प्रयोग करेंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मल्टीमीटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। सबसे पहले हम इसका ब्रेकिंग वायर टेस्ट करेंगे कि हमारा वायर में कोई ब्रेकिंग तो नहीं है। इसके लिए हम जैसे ये दो टर्मिनल है हमारे और यहाँ वाले इसी के एग्जैक्ट दो टर्मिनल ढूंढ लेंगे, जैसे कि ये वायर यहाँ को आई है और इसका एक टर्मिनल जो ये कनेक्ट है और एक यहाँ पे कनेक्ट है। इसके लिए सबसे पहले हम अब हमारा जो टेस्ट लैंप के दो पॉइंट है उनको इसको एक सिरे पे लगाएंगे और दूसरे को दूसरे सिरे पे, और देखेंगे कि जो हमारा लैंप है वो बिल्कुल ब्राइट ग्लो कर रहा है ये, तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा वायर में कोई ब्रेक नहीं है। इसी तरह हम दूसरा वाला भी देख लेंगे, ये देखो इसमें भी लैंप बिल्कुल ब्राइट ग्लो कर रहा है, इसमें भी कोई ब्रेक नहीं है। दूसरा जो हम टेस्ट इस पे करेंगे वो करेंगे हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ टेस्ट लैंप के दोनों पॉइंट्स को हम इसके फेस ऑन न्यूट्रल पे कनेक्ट कर देंगे। अब इस पे हम देखेंगे कि जो हमारा लैंप है वो थोड़ा सा डिम ग्लो कर रहा है, ये देखो अदरवाइज जो हमारा लैंप है वो बिल्कुल ब्राइट है। अब अभी देखोगे आप तो बिल्कुल ब्राइट है, अगर हम यहाँ पे लगा के देख रहे हैं तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिम है पहले से तो, और हमारा फैन भी थोड़ा थोड़ा साथ में चल रहा है, वो देखो आपको फैन भी थोड़ा थोड़ा चलता हुआ दिख रहा होगा, इससे हमें पता चलता है कि कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं है और हमारा सिस्टम ओके है। इस पे करेंगे अर्थ लीकेज टेस्ट। अर्थ लीकेज टेस्ट में हम क्या करेंगे, हमारा सिरे टेस्ट लैंप का एक पॉइंट जो है हम फेस के साथ कनेक्ट कर देंगे और जो दूसरा पॉइंट है हम इसकी बॉडी के साथ चाहे मोटर की बॉडी के साथ कनेक्ट करके देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे कनेक्ट करो तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा लैंप है वो बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा है। आप कहीं पे भी कनेक्ट करके दे मोटर की बॉडी के साथ लैंप हमारा ग्लो नहीं कर रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा कोई भी अर्थ फॉल्ट नहीं है, लीकेज ऑफ करंट नहीं हो रहा है। जैसे हम जो मेन मोटर हमारी इसकी भी टेस्टिंग कर लेंगे। इसके लिए हमें जो इसके जो वायर्स जा रही है देखो इसके जो इसको हम ट्रेस करते हैं, ये इसका कॉमन जंक्शन न्यूट्रल आ गया और ये रेड वाला जो इसका पॉइंट आ गया। अब हम इन दोनों के पॉइंट इसको कनेक्ट करके देखते हैं, ये देखो तो हमारा फैन धीरे धीरे घूमना शुरू हो गया है। अगर ये नहीं घूमता तो हमें पता लग जाता कि जो हमारी मोटर है वो खराब है, तो हमें इसे खोल के रिपेयर करना पड़ता। यही हमारे जो नॉर्मली फॉल्ट है जो हमारे कूलर में जनरली आते हैं, ब्रेकिंग वायर होता है, जो जनरली हमारी मोटर की बाइंडिंग वगैरह से जाती है जिससे मोटर नहीं चल पाती है। तो हमने आपको बताया कि इस तरह से हम सभी पार्ट्स को टेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप कूलर से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, जैसे कि समर्सिबल पंप, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।